हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिग बॉस सीजन 17 के बारे में। तो गाइज, हम सब जानते हैं इस बार कंटेस्टेंट्स का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है। पिछली बार जितना नॉर्मली होते हैं कंटेस्टेंट्स, उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स हैं, और बीच में कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि पूरी तरह से इनएक्टिव हैं। और शो की टीआरपी आजकल अच्छी आ रही है, ओवरऑल टीआरपी इस बार भी 1.9 आई है, पिछले हफ्ते जैसे ही स्टेबल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और बिग बॉस के जो मेकर्स हैं वो चाहते नहीं कि ये मोमेंटम को लूज़ करें, इसी करके शो में नए ट्विस्ट वगैरह लेकर आते रहने चाहते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट जो कि नेक्स्ट अपकमिंग वीक में हमें देखने को मिलने वाला है वो ये होगा कि हमें यहाँ पर एविक्शन देखने को मिलेगी। एक तो बहुत सारे हफ्तों में नो एविक्शन करी है इस बार के सीज़न में, लेकिन अब जो एविक्शन हमें देखने को मिलने वाली है वो होगी सीधा, जिसमें 4-5 लोग घर जाएंगे, यानी कि 4-5 कंटेस्टेंट्स एकदम से निकाल दिए जाएंगे शो से। किस तरह से निकालेंगे, किस प्रोसीजर से निकालेंगे वो अभी के लिए नोन नहीं है, जैसे उस पर कोई अपडेट आता है तो वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि 4-5 लोगों को एक साथ शो से निकाला जाएगा। प्रोबेबली उनको ही निकालेंगे जो कि इनएक्टिव हैं, हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलते, और वो किस प्रोसेस से होगा वो तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब एक और बड़ा ट्विस्ट है, वो जो 4-5 लोग निकालेंगे उनकी जगह नए वाइल्ड कार्ड्स भी आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता कि वाइल्ड कार्ड्स कितने होंगे अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। लेकिन वाइल्ड कार्ड्स भी यानी कि मल्टीपल ही होने वाले हैं, एक वाइल्ड कार्ड नहीं होगा, ग्रुप ऑफ वाइल्ड कार्ड्स है जो कि शो में एंटर करने वाले हैं। तो ये मेकर्स की नई स्कीम है जिससे वो चाहते हैं बिग बॉस का जो शो है पूरी तरह से स्पाइस अप हो जाए, और वो ये भी चाह रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में शो के टीआरपी जो है वो 2K लाइन में आ जाए और 2K मार्क को टच करे। वो चाहते हैं ये वाला जो सीज़न है ऑलरेडी सक्सेसफुल है और भी बहुत ज़्यादा आगे जाके सुपर हिट हो जाए। और ये ट्विस्ट आई थिंक बहुत नीडेड था, बहुत सही चीज़ कर रहे हैं, बिकॉज कई सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो कि कुछ भी नहीं कर रहे, वेले बैठे रहते हैं, और उनकी जगह नए वाइल्ड कार्ड काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, वरना गेम बोरिंग पड़ जाती है। और टास्क वगैरह तो वैसे ही बिग बॉस देना छोड़ चुका है, तो पुराने सीजन वाला मज़ा पहले ही नहीं आता। तो गाइस, आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर बताइए कि कौन से 4-5 कंटेस्टेंट्स हैं जिनको घर भेजना चाहिए वापस, और किसको एज वाइल्ड कार्ड देखना चाहेंगे। बिग बॉस के अपकमिंग अपडेट्स न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।